खौफनाक मंजर। थर्रा देने वाली खून से सरी वो दास्तान। 10 साल बाद भी जिसके खाटी में ही दफन है राज। सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड। जब लाल आतंक ने मचाया तांडव। कांग्रेस की फ्रंट लाइन पर अटैक। चुनाव के चंद महीने पहले सबसे खतरनाक साजिश। दस साल बाद ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18। 2013 चुनावी साल। मई की तपती दोपहरी मैदान में उतरकर पार्टी के लिए जमकर पसीना बहाते कांग्रेस के नेता। बस्तर का दौरा कर रहे थे। चुनावी रण सज चुका था। माहौल तैयार हो रहा था। लेकिन इनमें से किसी को नहीं पता था तांडव होने वाला है। मई 25, 2013 जब तपता सूरज उतरने को तैयार हो रहा था, झीरम घाटी लाल आतंक के तांडव से थर्रा उठी। गोलियों की आवाज, बम धमाकों ने बता दिया माओवादियों ने हमला बोल दिया। देश का सबसे बड़ा राजनीति हत्या झीरम कांड। आज झीरम कांड को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 10 वर्षों में झीरम घटना की सच्चाई आज तक सामने। मई के आग उगलते महीने में तपती दोपहर को सत्ता में वापसी के लिए सुकमा में डटे थे कांग्रेस के नेता। और अगुवाई कर रहे थे उनके साथ ही कांग्रेस की पूरी फौज। बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, या भैया उदय मुदलिया, अजीत जोगी और तमाम कांग्रेसी। सूबे में काबिज बीजेपी की सत्ता को बदल परिवर्तन। लेकिन 25 मई 2013 को आग बरसाता सूरज जब ढलने की तैयारी में था, तब कांग्रेस का यह काफिला सुकमा से और फिर झीरम की घाटी में दाखिल होते ही अचानक शुरू हो गया खूनी तांडव। साल बदल गया, तस्वीर भी बदल गई। नहीं बदली तो वो खौफनाक मंजर की यादें जो दशक उतनी ही ताजा है। क्या था बुरा घटनाक्रम, परिवर्तन यात्रा सुकमा से निकली थी और इस झीरम घाट में पहुंची थी। हमारे साथ मौजूद है जो झीरम घाट में जो अपने आप को बचा किया है। पूछते हैं कि और ये कब यहाँ पहुँचे थे और इनका काफिला कैसे फंसा था। घटनाक्रम 25 मई 2013 की जो शाम थी,
खौफनाक शाम। सुकमा की परिवर्तन यात्रा कुछ सभा को समाप्त करके सारा लोग लंच करके वहाँ से हम नंद कुमार पटेल जी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और महेंद्र कर्मा जी, विद्याचरण शुक्ल जी, उदय मुदलियार जी, फूलोदेवी नेताम जी, तमाम हमारा काफिला सुकमा से 4:30 बजे करीब जो काफिला है ये यहाँ पहुँचा। यहाँ से 2 टर्निंग पहले हमारी गाड़ी में, क्योंकि चूँकि मेरी गाड़ी में मैं ड्राइविंग कर रहा था और मेरी गाड़ी में मेरे साथ जो हमारे महेंद्र कर्मा जी हैं वो बैठे हुए थे मेरे बाजू में और पीछे हमारे कई वरिष्ठ नेता बैठे हुए थे। तो 2 टर्निंग पहले जैसे ही गाड़ी में फायरिंग चालू हुई, तड़ 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 की आवाज़ आई, कांच फूटा और जिस तरीके से जानना चालू हुआ तो समझ बल्कि भगाओ, मैं भी घबरा गया जिस तरीके से था। और गाड़ियाँ पट 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 जिस तरह से गोलियाँ चल रही थी, पड़ा बहुत अंधाधुंध गोलियाँ चल रही थी। गोलियाँ चलते मैंने गाड़ी को भगाने की कोशिश की, तो ये जो स्पॉट है, यहाँ स्पॉट में आगे यहाँ पे जो है ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद यहाँ एक ट्रक खड़ा करके आड़ा कर दिया गया था। तो चूँकि नंद कुमार पटेल जी की गाड़ी सामने थी और उसके पीछे जो है हमारी गाड़ी कर्मा जी की गाड़ी थी, विद्याचरण शुक्ल जी की गाड़ी थी, इस तरीके से काफिला था। तो जैसे ही गाड़ियाँ यहाँ रुकना चालू हुई और मैं बहुत स्पीड से गाड़ियों को लेके आ रहा था, मैं कैसे करके बच के भी हम निकल जाएं करके, क्योंकि काफिला था तो काफिले में जो गाड़ियाँ हैं एक दूसरे को गाड़ियों को डैश करना चालू कर दिया, क्योंकि गाड़ियों को सब ब्रेक मारना चालू कर दिया। जैसे टर्निंग आया तो गाड़ी को आड़ा कर दिया गया था, तो एक दूसरे की गाड़ी, हमारी गाड़ी भी पीछे डैश मारी, डैश मार के गाड़ी खड़ा किया। तो कर्मा जी ने तुरंत कहा कि गाड़ी, वो भी उनका एक अनुभव आज हमारे लिए जो है, आज हम जीवित अगर हैं तो उनका ही कोई अनुभव था। उन्होंने कहा कि जो गाड़ी से कूद जाओ और नीचे लेट जाओ, क्योंकि गाड़ी के अंदर जितने लोग बैठे थे आज हमारे उसमें से कई नेता आज शहीद हो गए, क्योंकि गाड़ी में बैठे हुए थे। वो भी कहीं लेट जाते, कुछ बात होती तो क्या मालूम उनका भी जीवन बच सकता था। तो इस प्रकार से अंधाधुंध गोलियाँ जिस प्रकार से चल रही थी, तो यहाँ पर जो थी, यहाँ नंद कुमार पटेल जी की गाड़ियाँ थी, यहाँ लखमा जी नंद कुमार की, यहाँ से जो है अंदर ले जाया गया। अंदर ले जाने के बाद फिर पुनः फायरिंग चालू हुई, क्योंकि लखमा जी ने गोंडी में बातचीत की और जो है फायरिंग रुकी। और उस समय नंद कुमार पटेल जी और नंद कुमार पटेल जी के लड़के को और उनके पीएसओ को जो यहाँ से जो है उनको हाथ बांध के पीछे ले जाया गया। उसके बाद जो है फिर टोटल फायरिंग चालू हो गई, फायरिंग चालू। फिर यहाँ पे जो है बम गिरा, बम उन्होंने फेंका, बम गिरा लेकिन बम वो जो है फूटा नहीं। तो हम लोग सब कितने लोगों का घेरा में कितने लोग उड़ते पता नहीं, बम फेंका गया, बम उड़ा नहीं। और उसके बाद जो है अंधाधुंध फायरिंग चालू में जो है महेंद्र कर्मा जी खड़े हुए, महेंद्र कर्मा जी ने खड़े होकर कहा कि मैं महेंद्र कर्मा हूँ, फायरिंग मत करो, फायरिंग रोक दो और फायरिंग मत करो। तो उस समय फायरिंग रुकी, फायरिंग रुकने के बाद सामने फूलोदेवी नेताम जी और हमारे महेंद्र कर्मा जी और उसके साथ जो मेरा ड्राइवर था बिट्टू, उसको मैंने खड़ा किया कि महेंद्र कर्मा जी खड़े हो गए, बिट्टू तू खड़ा हो जा और सरेंडर कर दे, क्योंकि मुझे डर था कि मुझे भी कहीं पहचानते हो तो मुझे नुकसान ना हो जाए। तो मैंने ड्राइवर में खड़े हुआ, तो महेंद्र कर्मा जी और मेरे ड्राइवर बिट्टू और फूलोदेवी नेताम जी को है यहाँ से ले जाने के बाद 100 मीटर जो है पीछे जो है वहाँ पे ले जाया गया और ले जा के जो है पीछे में रखा गया उनको। फिर हम लोगों ने जो है उसके बाद फिर फायरिंग चालू हो गई। फिर फायरिंग चालू होने के बाद जो है तीसरे में जो मैंने सरेंडर किया, मैंने कहा भाई मैं ड्राइवर हूँ, मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, आप गोली मत चलाओ, सब सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर जितनी ताकत से चला सकता था, क्योंकि अंधाधुंध हमको बचने को चांस दिख नहीं रहा था। हमको लग रहा था कि अंधाधुंध फायरिंग में हम कितने लोग हमारे सामने, हमारे जवान ख़त्म हो रहे, किसी को गोलियां लग रही हैं, किसी को कुछ लग रहा, किसी का हाथ उड़ रहा है, किसी का जांग, मतलब क्या बताऊं आपको, मंजर जो है, मैं ग्राउंड जीरो में आकर फिर खड़ा हूं। आज वो दिन मुझे याद आता है तो मुझे बड़ा हुई पीड़ा उस चीज़ को होती है और मैं कई बार दहशत में कई रात सो नहीं पाया था उस समय में। तो जो है हम लोगों को तीसरा सिलेंडर में हम लोग जब गए, तो हम लोग जाने के बाद पीछे जब ले गए तो हमको वहाँ पर सब लोगों को जो जितने लोग सिलेंडर किए थे हमको उल्टा लेटा दिया गया और उल्टा लेटा के एक एक चीज़ का आइडेंटिफाई किया। वाकी टाकी पकड़े हुए थे, सब बात कर रहे थे, महिलाएं थी, AK-47 पकड़ी थी, कोई इंजेक्शन लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई पानी पिला रहा था किसी को, मतलब उनका था कि उनके भी जो लोग घायल हुए थे उनको इंजेक्शन लगा रहे थे और जिस तरह कर रहे थे। तो उसमें से हर्षद मेहता जी एक बहुत बुजुर्ग थे, तो मैंने उनको भी जो है मैंने कहा कि भाई बहुत बुजुर्ग हैं और इनका मतलब इनको भी इंजेक्शन लगा दीजिए आप। इंजेक्शन पकड़ा था हाथ में महिलाओं ने, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमारे लोग घायल हैं, हम किसी को इंजेक्शन लगाएंगे नहीं।
और उस प्रकार से उल्टा लेटाने के बाद जो है हम लोगों ने बहुत सोचा कि हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग को ऐसा लगा कि हम ख़त्म होना है, हमको हमको उल्टा लेटा दिए, हम गोली से हमको भून दिया जाएगा। हम लोगों ने फिर जो है निवेदन किया और हमारे सामने जो है कर्मा जी को आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि कर्मा जी हमारे पहुँचने के पहले कर्मा जी को मार दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। फिर हम लोग आइडेंटिफाई किया, ये कर्मा तुम्हारा लीडर है, हमने कहा भी हमारा ये कर्मा लीडर। उसके बाद जिस प्रकार से संगीत साय जो बोलते हैं बट जो होते हैं, बट के पीछे जो चाकू लगे होते हैं, उस प्रकार से कर्मा जी के जो है बॉडी को जिस प्रकार से गोदा गया और जिस प्रकार से उसको सामने ऊपर नाचा गया, जिस प्रकार से हमारे सामने मंजर हमने देखा है, वो बड़ा ही दुखदायी मंजर था, क्योंकि हमारे लीडर थे, हमारे प्रिय नेता थे वो, और वो भी जो है इस प्रकार से चले गए थे। ये पूरा जो एम्बुश था माओवादियों का, लगभग 1 किलोमीटर के ऊपर से अधिक एम्बुश लगाए गए थे, और ऊपर जो देख रहे हैं आप यहाँ पर पूरे माओवादी लीडर, उनके जो कैडर के लोग थे, वो ऊपर से फायरिंग कर रहे थे लगातार, और उसी दौरान जो परिवर्तन यात्रा का जो काफिला आता है उस पर फायरिंग होती है। करीब 1 किलोमीटर का एम्बुश, AK-47 जैसे हथियारों से धुआंधार फायरिंग, 300 से ज्यादा माओवादियों की मौजूदगी, और इस सब के सामने यात्रा में मौजूद सुरक्षाकर्मी कुछ भी नहीं थे। हमले के बाद एक एक का नाम पूछकर माओवादी उनको टारगेट कर रहे थे। हाँ, इस कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले में आगे चल रही एक कार एम्बुश से जरूर निकल चुकी थी। सबसे पहले हम लोग यहाँ से जब वो काफिला आ रहा था हमारे पूरे नेता कुलों का, तो हम लोग छिंदगढ़ जा रहे थे। रास्ते में अचानक पता चला कि उनका काफिला निकल चुका है, तो हम लोग ने वापस गाड़ी मोड़ा, और जैसे ही गाड़ी मोड़ा है वैसे ही हम लोग के सामने से एक गाड़ी ब्लास्ट होते हुए दिखी हमको। सबसे पहले जो गाड़ी ब्लास्ट हुई और उसके बाद फायरिंग चालू हो गया। फायरिंग में गोलियां बहुत तेज़ी से आ रही थी लगातार, जिसमें सबसे पहले गोपी मेरी गाड़ियों में, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ ईश्वर खम्बारी, गोपीनाथ माधवानी थे, जिसमें गोपीनाथ माधवानी को पहली गोली लगी, उसके बाद मुझे गोली लगी। लेकिन लगा आते आते हम लोग गाड़ी लेकिन निकाले, जैसे तैसे भी गाड़ी को लेके आए, और दरभा में आकर हमने पुलिस थाना में कंप्लेंट भी दर्ज कराई। सड़क किनारे से महेंद्र कर्मा और जो तमाम नेताओं को माओवादी अपने साथ जब सरेंडर करने की बात आई, तो सरेंडर करते हुए उनको जंगल की ओर ले गए। आगे जो स्पॉट है दिखाना चाहूँगा मैं, कि ये जो इलाका है, यहाँ से महेंद्र कर्मा जी आगे आगे बढ़े, माओवादी उनको ले के गए थे, और कुछ दूरी पर ही उन लोगों को, जितने तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के जो सरेंडर कर चुके थे, उनको बैठा दिया गया। ये वही इलाका है जहाँ पर महेंद्र कर्मा की हत्या की गई थी। राजीव नारंग तो आगे निकल गए, लेकिन बाकी नेता एम्बुश में ही फंसे रह गए। पहले सबने सरेंडर किया और फिर नक्सली उन्हें पहाड़ी पर जंगल की तरफ ले गए। 25 मई 2013 जीरम घटना का जो जगह है, यहाँ हम पहुँचे हैं, न्यूज 18 की टीम पहुँची है, और ये इलाका वही है। सड़क से महेंद्र कर्मा जो और उनके साथ जितने जो कांग्रेस के नेता थे उनको सरेंडर करवाया गया, और इस जगह महेंद्र कर्मा और सभी लोगों को लाया गया, उनको सुला दिया गया यहाँ पर, और सभी को ये कहा गया कि सो जाइए, लेट जाइए। हमारे साथ मलकीत जी भी है, उनसे भी चर्चा करते कि इस घटना इस यहाँ का स्थिति का बताएं क्या हुआ था। ये वो स्थल है जहाँ से अंदर से रोड मैप से अंदर हमको लाया गया, जब हमने सरेंडर किया तो सरेंडर करने के बाद यहाँ लाया गया, और ये जगह जो है यहाँ पे हम लोगों को सबको उल्टा लेटा दिया गया। उल्टा लेटा के हम लोगों को यहाँ सुला दिया गया। हमको लगा कि हमारा जो अब जीवन ख़त्म है, हमको गोलियों से भून दिया जाएगा। सबका आइडेंटिफाई उन्होंने किया कि कौन कौन क्या है, किसका किसका नाम बताओ, सबका आइडेंटिफाई किया। सब लोगों ने अपना अपना नाम बताया, जैसे हम लोग भी, हमसे भी पूछा गया तो हमने अपना नाम गलत बताया, दूसरा बताया नाम, और इस प्रकार से ये कर्मा जी को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया कि ये आपका लीडर है, इसको पहचानो। और यहाँ पर जो है हमारे आ जाने के बाद जब आइडेंटिफाई किया, उसके बाद जो कर्मा जी के साथ जो बॉडी के साथ किया, क्योंकि सारे नकली फिर इकट्ठा हो गए थे यहाँ पे, कितनी संख्या में, तकरीबन 300-400 की संख्या में रहे होंगे पूरे कंप्लीट, भाई आधा किलोमीटर का कम से कम एम्बुश था, तो उसमें 300-400 के लगभग तो नक्सली रहे होंगे, हम यही कह सकते हैं, क्योंकि उसमें महिलाएं भी थी, महिलाएं नक्सली बहुत हम उसमें थी। हम लोगों ने देखा, जैसे हम लोगों ने उनसे बातचीत भी की, दीदी हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग को मत मारिए, हम लोग ऐसा, तो हमको लग रहा था कि हम, हथियार क्या था उनके पास, कुछ आधुनिक हथियार था क्या? आधुनिक सब AK-47 थे, सब बड़े बड़े हथियार थे उनके पास, सब हथियार हमने देखे, सब कुछ था, वॉकी टाकी से बातचीत कर रहे थे यहाँ से,
मिशन की बात कर रहे थे, जहाँ उधर था उधर नंद कुमार पटेल जी का मिशन हुआ कि नहीं वो भी हम सुन रहे थे। इधर हमारा मिशन पूरा हुआ जो बातचीत कर रहा था वाकी टॉकी से, वाकी टॉकी से जिससे बात करते कौन होंगे वो लोग, बड़े नेता नक्सली नेता संपर्क कर रहे थे शायद जो यहाँ के? वो तो भाई बड़े नेता ही होंगे, क्योंकि मैं तो पहचान नहीं पाऊँगा कौन कैसा थे, कौन नक्सली क्या था, क्या नाम था। अब इतने बड़ी संख्या में वो लोग क्या उपस्थित हुए थे, और कर्मा जी की बॉडी का जिस प्रकार से गोदागदी कर रहे थे और जिस प्रकार से नाच गाना कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, तो ये तो हम उस दिन को देख के दिल दहल जाता है हमारा। आज जीरम घटना के पूरे 10 साल पूरे हो गए, 1 दशक हो गया है, जीरम का जो सच क्या लग रहा है, बाहर कभी आ पाएगा सच? देखिए ऐसा है कि अगर सही जाँच होती है, निष्पक्ष जाँच होती है, जैसे NIA ने जाँच की हो, तो खाना पूर्ति करके अपना चले गए। जैसे भूपेश बघेल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी SIT की बात की, और वो सीरियस इस मामले में कि सच उजागर होना चाहिए। 10 साल बीत जाने के बाद भी झीरम घाटी हमले का सच अब तक बाहर नहीं आ सका है। तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 2013 में ही न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया। 2019 तक चली जांच जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने पूरी की, और जो रिपोर्ट सरकार को पेश की उसमें असहमति जताते हुए कुछ बिंदु और जोड़े गए, और सुनवाई बिलासपुर में जारी है। राज्य पुलिस के वरिष्ठ अफसरों समेत राज्य के नामचीन नेताओं को मिलाकर 50 से ज्यादा लोगों के बयान हलफनामा के जरिए दर्ज किए गए, लेकिन सुनवाई अब तक पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियों में से एक NIA ने 4 सालों तक पड़ताल की, और कई लोगों को आरोपी भी बनाया गया। बावजूद NIA भी अब तक नहीं बता पाई कि आखिर झीरम हमले को अंजाम देने वाले वो कौन लोग थे जिन्होंने पर्दे के पीछे से भूमिका निभाई थी। लेकिन इस वारदात में अपनों को खो चुके कांग्रेसी आज भी अपनों को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं, और इस घटना में जो भी लोग दोषी हैं उन्हें सजा की मांग करते हुए घटना का सच बाहर लाने की मांग करते हैं। उन्हें विश्वास है कि एक न एक दिन सच जरूर बाहर आएगा। चाहते हैं कि जो घटना हुई है लोगों को सजा होना चाहिए, ताकि न्याय हमको मिलेगा। आपने यहाँ के मिट्टी का तिलक भी लगाया, आपके आंखों में आंसू आ गया। आज मैं जो कुछ हूँ शहीद महंत कर्मा जी के आशीर्वाद से हूँ। मेरे परिवार, चाहे मेरा ससुराल हो चाहे मेरा मायके हो, कोई राजनीतिक लाइन में नहीं है, राजनीतिक में नहीं है। उन्होंने मुझे एक बहन का सम्मान, एक बेटी का सम्मान दिया, और मुझे अपने बेटी के जैसे पूरे बस्तर संभाग में लेकर के गए, और मैं उनके कारण से ही राजनीतिक में आई। झीरम का यह हमला कांग्रेस के उन नेताओं पर किया गया था जो उस वक्त फ्रंट लाइन लीडर्स में गिने जाते थे। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विद्या चरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उदय मुतलियार समेत सुरक्षा बल के जवानों को मिलाकर कुल 32 लोगों की हत्या की गई थी। लेकिन 10 सालों के बाद भी माओवादियों के इस नृशंस थर्रा कर रख देने वाले खौफनाक तांडव के पीछे का खेल उजागर नहीं हो सका। अलबत्ता सियासत खूब होती रही, जो अब भी जारी है। लगातार हमारा सरकार ने हम लोग SIT गठन किया, अब भारतीय जनता पार्टी जाके हाईकोर्ट में स्टे लगा दिया। अभी तक हमारे सरकार ने उसको आगे बढ़ने का कोशिश किया, हम लोग लगातार जांच करने का कोशिश किया, भारतीय जनता पार्टी लगातार रोकने का काम कर रहा है। क्यों कर रही है दादी? क्यों कर रहा है उससे पूछो। तो सच बाहर कवासी लखमा जी ले आए, कवासी लखमा जी तो स्वयं उस घटना में थे, और उनको चलता फिरता मोटरसाइकिल मिल गया बिना उसके, तो इससे बड़ा घटना और क्या हो सकता है। और हम तो मांग करते हैं उनको नार्को टेस्ट किया जाए, और वो असलियत बताएं कौन लोग ऐसे हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिए। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच सच्चाई यही है कि अब भी पीड़ितों को झीरम के सच के बाहर आने का इंतजार है। 25 मई 2013 झीरम घटना, आज 10 साल पूरे हो गए हैं, और 10 साल के बाद इस घटना की सच्चाई तो सामने नहीं आई है, लेकिन यह है घटना को लेकर यहाँ पे एक शहीद स्मारक बनाया गया है,
जहाँ पर जितने तमाम जो नेता शहीद हुए थे और जो जवान शहीद हुए थे उनकी तस्वीरें लगाई गई है, ताकि याद रहे कि जर्म घटना कितना भयावह स्थिति थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ तमाम जो नेता हैं, शहीद उदय मुदलियार, शहीद विद्याचरण शुक्ल, शहीद नंद कुमार पटेल और बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा, शहीद तमाम जो नेता हैं और जो जवान हैं उनकी तस्वीरें है। ये जीरम घाटी शहीद स्मारक बनाया गया है और ये बात तो तय है कि ये घटना होने के आज 10 साल पूरे हो चुके हैं और इस 10 साल में सरकारें भी चाह रही है, आम जनता भी चाह रहा है, छत्तीसगढ़वासी भी चाह रहे हैं कि इस घटना की सच्चाई बाहर आ सके और लोगों को पता चल सके कि आखिर घटना के पीछे कौन जिम्मेदार था। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18, जीरम घाटी, दरभंगा।